बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रज्ञा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज जो मैं वीडियो सेशन लाई हूँ ये है हिंदी लैंग्वेज में जो पूछे जाते हैं 30 प्रश्न, उसमें प्रसिद्ध पंक्तियाँ भी पूछी जाती है। तो उनमें जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ होती है उस पर आधारित मैं वीडियो लाई हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ बताऊँगी और मेरा तो अनुमान है कि उसे ज़रूर आएगा आपको। बस आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए और समझ लीजिए। तो इसमें मैं अभी 30 से 40 पंक्तियाँ बताऊँगी, उसे आप लोग देख लीजिए बार। और इससे पहले चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले मैंने वर्तनी पर आधारित और वर्णमाला पर आधारित एक वीडियो लाया है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिए, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होगा आप लोग के लिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी पहली पंक्ति देख लेते हैं कि पहली पंक्ति किसकी है। तो पहली पंक्ति है, देसिल बयाना सब जन मिठा, तैसन जब हो अब हट्ठा। तो ये बताने ये पंक्ति किसकी है, तो ये विद्यापति की पंक्ति है। किसकी? विद्यापति की। दूसरा है, हिंदू बोले दुराही निकार, छोटे तरु का भभकी भार। बताने ये पंक्तियाँ किसकी है, तो ये विद्यापति की ये भी पंक्ति है। तो ये दोनों जो पंक्तियाँ थी ये दोनों विद्यापति की है। तीसरा जो है हमारा प्रश्न, गोरी सोवे सेज पर डारे मुख पर केस, ये पंक्तियाँ किसकी है, तो ये अमीर खुसरो की है। चौथा जो हमारा है, मेरा जोवन नवलेरा भयो है गुलाल, ये भी है अमीर खुसरो की। दो यहाँ विद्यापति की और दो अमीर खुसरो की मैंने पंक्तियाँ डाली है, ये दोनों इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं सादी, तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं, तो ये कबीरदास की है। किसकी? कबीरदास की। छठा है, दशरथ सुत्य हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, तो ये पंक्ति भी कबीरदास की है। किसकी? कबीरदास की। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, उसे आप लोग गौर से देखिए, समझिए और याद करने की कोशिश करिए, इससे आपको ज़रूर एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिपी लागा, ये पंक्ति किसकी है, तो ये है संत नामदेव की। किसकी? संत नामदेव की। आठवां देखते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास जमानी, ये पंक्ति किसकी है, तो ये है संत रविदास की। रविदास यानी रैदास, रविदास को ही रैदास कहा जाता है। नवा है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और उभय नहीं जाके कंचन माटी जाने, तो ये पंक्तियाँ हैं गुरु नानक देव की। किसकी? गुरु नानक देव की। दसा है, अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, ये पंक्तियाँ हैं दादू दयाल की। ग्यारहवा है, निरकुश अतिंडर रसिक जस रसना गयो, ये पंक्ति किसकी है, तो ये मीराबाई की है। मीराबाई कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, तो वो कृष्ण पर आधारित थी पंक्तियाँ लिखती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बारहवा जो हमारा प्रश्न है, पंक्ति किसकी है, तो ये है, हे निर्गुण नया नहीं सगुण रसना राम सुनाम, मनहू परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम, ये पंक्ति तुलसीदास की है। ठीक है, तेरहवा है, खेती न किसान को भिखारी को ना भीख भली, तो ये पंक्ति है तुलसीदास जी की। किसकी? तुलसीदास की। चौदहवा है, श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम, तो ये पंक्ति भी तुलसीदास जी ने लिखी है। किसने? तुलसीदास जी ने। एक प्रसिद्ध ये थे ना, जो आप लोग बहुत बार सुने होंगे आप लोगों ने, तो ये वही है। पंद्रह प्रश्न है, देखी रे हरि के चंचल नैन, खंजन मीन मृगज चंपलाई, नाही पटतर एक सैन, तो ये पंक्ति बताना किसकी है, तो ये सूरदास की पंक्ति है। किसकी? सूरदास की। आगे बढ़ते हैं। सोलवा है, बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहित काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोड़ी, तो ये पंक्ति है सूरदास की। किसकी है? सूरदास की। सत्रवा जो हमारा है ये प्रश्न, अति सुदो सने को मारुग है, जाकू जाहू नेक सयानप माक नहीं, तो ये जो है ये घनानंद की पंक्ति है। तो घनानंद को प्रेम के पीर के कवि भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये उनके द्वारा लिखित पंक्ति है। अठारवा है जो है, किंतु हम है द्वीप हम धरा नहीं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप है स्रोत स्वामिनी के। हाँ, तो ये पंक्तियाँ अज्ञेय जी की। किसकी है? अज्ञेय की। ये 18वां प्रश्न। 19वां है, स्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं, तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये दिनकर जी की पंक्ति है। किसकी? दिनकर जी की। 20वां प्रश्न है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास,
तो ये पंक्ति है नागार्जुन की है। किसकी है? नागार्जुन की। ये जो अकाल जिस टाइम में हुआ था, पड़ा था पूरे भारत पे, तो उस समय इन्होंने ये पंक्तियाँ उस परिस्थिति में लिखी थी। ठीक है, तो 21वां प्रश्न है, मैं नीर भरे दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिर्च आज चली। तो ये पंक्तियाँ हैं प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा की। किसकी? महादेवी वर्मा की। 122वां प्रश्न है, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दू लोचन। तो ये पंक्तियाँ आपको बताना है किसकी। तो ये पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत की है। मैंने यहाँ सारी पंक्तियाँ और उसके जो कवि हैं सबका नाम डाल दिया, आप लोग इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, 23वां है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहा महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन। तो ये पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी? निराला जी की। 24वां है, सिंधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान की ऐसी ऐठी सी। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी की है, इनकी है प्रसाद जी की। 25वां है, बीती भागड़ी जागड़ी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागड़ी। ये पंक्ति भी जयशंकर प्रसाद की है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। 26वां प्रश्न है, अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। तो ये है मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ। कौन? मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि कहा जाता है। ठीक है, 27वां है, प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख चल निधि डूबी सहारा कहाँ है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की है। ठीक है, 28वां प्रश्न देख लेते हैं, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जगत नहीं अनेक जतन करी भारतवासी रोए। ये पंक्तियाँ आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो 28 का होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। 29वां प्रश्न है, रोवहूँ सब मिली, आवहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। तो ये पंक्तियाँ भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। 29वां का भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा आंसर। 30वां प्रश्न है, तंत्री नाद कवितरस सरस, राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जय बूढ़े सब। तो ये पंक्तियाँ आपको बतानी है किसकी है? तो ये बिहारी जी की है। किसकी है? बिहारी की। 31वां प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो वो बताना है ये पंक्ति किसकी है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की है, और ये इनकी जो कविता है पुष्प की अभिलाषा उससे ली गई है। ठीक है, बढ़ते हैं 32वां प्रश्न, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तप तप तपते देखा, गलते देखा ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। तो ये केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। किसकी? केदारनाथ अग्रवाल की। 33वां प्रश्न है, इति आवत चली जात तऊ, चली छछात सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासन साथ उसासन हाथ। तो ये पंक्तियाँ बिहारी की है। किसकी है? बिहारी की। ये जो है प्रसिद्ध कवि हैं रीतिकाल के। आगे बढ़ते हैं 34वां है, जो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बाद। यह तो आपको पता ही होगा सुभद्रा कुमारी चौहान का है, और ये जो इनकी कविता है झांसी की रानी उन्हीं का है। ठीक है, उससे लिया गया है, ये कुछ पंक्ति ली गई है। 35वां प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली काली ही सो बांधियो, आगे कौन हवाल। तो ये पंक्ति भी बिहारी की है। किसकी है? बिहारी की। तो आज इस वीडियो मैंने 35 तक बताया आपको पंक्तियाँ, प्रसिद्ध पंक्तियाँ जो प्रसिद्ध कवियों की हैं, और इससे ही अक्सर क्वेश्चन जो प्रसिद्ध होता है उसी से क्वेश्चन आता है आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए, जो पंक्तियाँ मैंने बताई उसे नोट करिए, समझिए, याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को जो कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप आराम से कमेंट में पूछ सकते हैं। और भी मैं वीडियो बनाऊँगी, और भी जो बचे हुए टॉपिक्स कुछ दिनों में, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, मन से करिए, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए। सो थैंक यू सो मच।